नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल। जालंधर के संतोखपुरा स्थित विनय नगर में एक युवक की हत्या, पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को किया काबू। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने सीमा पार कर रहे संदिग्ध व्यक्ति पर की फायरिंग, सर्च ऑपरेशन के दौरान शव किया बरामद। बरनाला पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में तीन आरोपियों को किया काबू। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के संतोखपुरा स्थित विनय नगर में सुबह एक मर्डर हो गया, जिसे जालंधर पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपने दोस्त के साथ एक कमरे में रहता था। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसीपी निर्मल सिंह और एडीसीपी बलविंदर सिंह रंधावा ने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, वे मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे। मृतक की पहचान राजेंद्र कुमार के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में और मौजूदा हालातों से यही ज्ञात हुआ है कि मृतक के कमरे में साथ रहने वाले होशियारपुर निवासी सनी ने ही अपने दोस्त का मर्डर किया है, जिसके बाद जालंधर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चंद ही घंटों में मृतक राजेंद्र का मर्डर करने वाले सनी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी सनी से पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसने अपने दोस्त को क्यों मारा, जिसके बाद बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिहड़ा मर्डर होया है, इस बारे जो प्रीलिमिनरी गल सामने आई है, इहदे विच रजिंदर नाम का व्यक्ति हैगा जो डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी नूं बिलोंग करता, प्रवासी हैगे ने। इत्थे कुछ समय तो यह पता करांगे भी किन्ने चिर तो रह रहा सी इत्थे। इहदा मर्डर जिहड़ा हैगा मॉर्निंग सानूं तलाह मिली है, तां लगे मौके दे मौके इंस्पैक्ट कीता। उहदे विच जिहड़ा नाल दा जो गल सामने आई है, जिहड़ा अक्यूज्ड है ਉਹ ਸਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮੇ ਫੇਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਛਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਆਪ ਸੇਲਮੈਨ ਹੈ ਸੰਨੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ। भारत पाक सीमा के बीओपी खालरा बैरियर पीएस खालरा पर तैनात बीएसएफ के जवानों की ओर से भारतीय पक्ष से बाढ़ पार करने की कोशिश करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियों को देखा गया, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने व्यक्ति पर 5 राउंड फायर किए। इसके बाद बीएसएफ के जवानों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति की लाश बरामद कर ली गई है। फिलहाल बीएसएफ के जवानों की ओर से सीमा पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बरनाला पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में तीन व्यक्तियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी बरनाला संदीप कुमार मलिक ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुलवंत सिंह निवासी स्वदी कला और रणजोध सिंह उर्फ योद्धा निवासी स्वादी खुर्द जिला लुधियाना के तौर पर हुई है, जिन्हें CIA स्टाफ बरनाला की पुलिस पार्टी ने काबू किया है, जिनके ट्रक में से 12 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। आरोपी ये अफीम झारखंड राज्य से लाए थे और इसे बरनाला, रायकोट, जंगराओ, मोगा जिलों में सप्लाई करना था। आरोपियों से पूछताछ जारी है और ये भी अहम खुलासे होने की संभावना है। वहीं एक अन्य केस संबंधी एसएसपी ने बताया कि CIA स्टाफ बरनाला ने पुलिस टीम के साथ गुरविंदर सिंह उर्फ बिंदा निवासी फतेहगढ़ छन्ना जिला बरनाला को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 20 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ है।
आरोपी गुरविंदर सिंह से पूछताछ की गई तो मुकदमे में सतनाम सिंह उर्फ सत्ती निवासी गली नंबर 12 सेखा रोड बरनाला को आरोपी पाया गया। सतनाम सिंह सत्ती के पास से 270 ग्राम नशीला चिट्टा पाउडर और एक पिस्तौल देसी 315 बोर, एक कारतूस 315 बोर जिंदा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी सतनाम सिंह गैंगस्टर सुखा दुनेके का गुर्गा है, जो लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे वसूलता है और ड्रग्स की तस्करी करता है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। एसपीडी रमनीश चौधरी जी एंड एसपी पीबीआई एंड एनडीपीएस प्रदीप सिंह जी एंड उनादी टीम दे विच डीएसपीडी मानवजीत सिंह एंड इंचार्ज सीआईए इंस्पेक्टर बलजीत सिंह उनादी टीम ने सारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए असी बरामद किया है जी 12 kg ऑफ ओपीएम बरामद किया है। दो एक्यूज भी असी फड़े हैं। ये एक्यूज है कि कुलवंत ते रणजोत सिंह, ये दोनों ही लुधियाना के रहने वाले हैं। इन्हों तो असी एक ट्रक बरामद किया जो कि काफ़ी नई हालत दे विच काफ़ी न्यू हैगा एंड ये देवर ट्रांसपोर्टिंग दिस ओपीएम फ्रॉम झारखंड इत्थे एंड कुछ कंसाइनमेंट नू लैके आ रहे थे बट अपनी एक कैविटी इन्होंने अगे बनाई हुई थी कि ड्राइवर जिहड़ा बॉक्स हुंदा है उहदे विच छुपा के इन्हू लै रहे थे ते उत्थों सानू ये बरामद हुई है। लैके आके सप्लाई करन दा इन्हां दा इरादा सीगा मोगा जगराओं लुधियाना बरनाला ये जो नीचे 5-6 जिलों दे विच इन्हां ने सप्लाई करना सीगा जो हाल की घड़ी इन्हां ने दस्सिया। जालंधर में बस डिपो में खड़ी बसों को आग लग गई जिस वजह से दो बसें जलकर खाक हो गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इस संबंधी डिपो अधिकारी मनप्रीत ने बताया कि आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है, इसके लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई है जो इस मामले की जाँच करेगी। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अधिकारी बलजिंदर सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली वे मौके पर पहुंचे और पानी की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। 1:45 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1:45 ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਜਦੋ ਜਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਟਾਇਰ ਬਚਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੀਅਰ ਟੈਂਕ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। लोक निर्माण एवं बिजली मंत्री पंजाब हरभजन सिंह ईटीओ मोगा के जिलाधीश कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मोगा विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा और विधायक अमृतपाल सुखानंद भी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि उन्होंने मोगा में पहुंचकर विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें और आम लोगों को आ रही मुश्किलों का मौके पर हल किया है।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों संबंधी जायजा लिया गया है और इन कामों में तेजी लाई जाएगी। इस संबंध में अधिकारियों को हिदायतें दे दी गई हैं। मोगा से हलचल के लिए निशि मनचंदा की रिपोर्ट। MLA साहबान जिहड़े आ मीटिंग दे विच हाजर सीगे और प्लान चेयरमैन साहब भी सीगे, असीं जिन्ने भी डिपार्टमेंट ने सारे डिपार्टमेंट का जिहड़े भी डिवेलपमेंट के काम चल रहे ने तां उन्हां दे विच होर कुछ तेजी आ सके, जिले का किवें जिहड़ा ओवरऑल किवें चल रहा उहदे बारे मीटिंग की आ और काफ़ी मसले जिहड़े ने इहदे विच डिस्कस होए ने और कुछ क ਘਾਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰੇਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ DDPO ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਊ। भवानीगढ़ पुलिस की कार्रवाई से निराश एक व्यक्ति थाने के समक्ष लेट गया और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हरदम सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले भवानीगढ़ थाने के ASI सुखदेव सिंह पर रिश्वत लेने संबंधी विजिलेंस विभाग की कार्रवाई करवाई गई थी, जिसके बाद फिर से भवानीगढ़ पुलिस पर पुराने मामले में सही कार्रवाई ना करने के आरोप लगे हैं, जिसके चलते व्यक्ति द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं इस संबंध में पुलिस से जब बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। थाने मूहरे आए हैं जी, वो तो रिवाल्वर है यूपी का, वो कढ़ा नहीं रहे जी। ये पुलिस कहती भी वे तो है नहीं, हूँ SHO कड़ा उरे चक्या जी, उदा रिमांड लिता जाए। उन्हें 15 दिन कार्रवाई नहीं करी, 15 दिन बंदे का मुर्दा खत्म हो जाता है। ये हुण कहिंदे उहदे लवे है नहीं जी, मेरी जान नूं खतरा, मैं उहदे बार मूर्ती लंघदा सर। ये नवा SHO बदल के आया है, ये कार्रवाई भी नहीं करता, कि मूहरे बंदा बैठा जी वो मिलन नहीं दिता SHO। कल मैं 3 बजे आया, 6 बजे थाने चो गया, थाने की मूवी कढ़ा के देख लो जो मैं झूठ बोलता, मेरी जान नूं खतरा। जद ये नहीं मेरा सोचणगे होर सोचू कि सर, इन्हां नूं आया महीना हो गया, मैनूं वेले नूं ना मैं गड्डी ते जा सकदा, रोज़ थाने दे चक्कर देख लो कै लाउणा जे मैं झूठ बोलदा जी। ये दरखास्त दित्ती हुई है जी अपनी, भी उहते कार्रवाई होवे, उहदा रिकॉर्ड चैक करो। 2 रात दे कातल च वो बंदा आया होया, किहदे नाल मलकीत दे जी, मेरे पिंड दे ही है जी, रामपुरा जी। सुनवाई नहीं हो रही जी, उहते 57 करती जी, 57 का की है, रिवालवर नहीं कढ़ा रहे। उतो हाँ जी, वो तो हाँ जी, उही केस दे पिछा जी, हाँ जी शिकायत करता जी। उन्होंने मैं कहा भी थी जी भी सुनवाई वो कहते होगी, एक इंस्पैक्ट SHO आया, इन्हें ये कहा जी, कहना भी तेरी कार्रवाई पूरी होगी। है मेरी कार्रवाई फिर भी नहीं हो रही जी, नाले SHO बदलता जी, दसो हूँ असी सच वाला किधर नू जाऊ, बंदा मरू नहीं होर करूगी। समाज सेवी संस्था दिशा दीप की ओर से विधायक रमन अरोड़ा की अगुवाई में घर घर फलदार और दवाइयों वाले पौधे लगाने की मुहिम शुरू की गई। इस मौके पर सिटी इंस्टीट्यूट मकसूदा में पौधे लगाए गए। दिशा दीप की 7वें चरण की इस मुहिम में सिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर योगेश छाबड़ा, दिशा दीप के संस्थापक और चीफ लॉयन SM सिंह, रमेश लखनपाल, तरसेम जलंधरी दीन, डॉक्टर रमन गौतम और कॉलेज के विद्यार्थियों ने कैंपस में पौधे लगाए। विधायक रमन अरोड़ा, डॉक्टर योगेश छाबड़ा और लॉयन SM सिंह ने कहा कि वातावरण प्रदूषण को सुधारने के लिए करो या मरो की नीति अपनानी पड़ेगी, हमें नई बन रही इमारतों में लकड़ी का कम इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस पर काबू ना पाया गया तो मनुष्य जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस मौके पर कॉलेज प्रबंधकों की ओर से मुख्य मेहमानों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। और जो आज तुसी ड्राइव सर ने जिदा चला रहे ने प्लांटेशन दी, ये भी बहुत इस समय दी सब तो जड़ी जरूरत आ, वो प्लांटेशन ही है, क्योंकि जे रुख होंदे साडे ते कदी भी करोना जिहियां महामारी बीमारियां साडे हिंदुस्तान नूं कदी भी टच ना कर पांदियां। इस करके साडे आने वाले समय दे विच अपने सेहत वास्ते कहिंदे सब तो पहला कहिंदे सब तो उच्ची निरोगी काया, सब तो पहला सुख ही निरोगी काया, अपनी निरोगी काया नूं कायम रखने वास्ते रुखां दी बहुत जरूरत है।
इस करके मैं युवा पीढ़ी नूं मैं कहना कि रुखां नूं आपां संभाल के रखिए। जे असीं घर भी बनाउने ते घट तो घट लकड़ दा यूज करिए ताकि साढ़े आने वाले साढ़े रुख भी बच सकन और साढ़े जिंदगियां भी बच सकन। जय हिंद जी। दोस्तों, पर्यावरण वातावरण दूषणता जिहड़ी है वह ग्लोबली चिंता का कारण है। दुनिया का हर व्यक्ति जिहड़ा थोड़ी बहुत ही सूझ रखता है वह इहदे बारे चिंतित है और चिंतित सिर्फ चिंतित ही है, उस चिंता के समाधान वास्ते उहदा बकायदा तौर पर चिंतन जिहड़ा वह नहीं हो रहा। यह बड़े दुख की गल है। बहुत सारिया सरकारां, बहुत सारिया इंस्टीट्यूशनस, बहुत सारिया समाज सेवी संस्थावां इस वास्ते आपो अपने तौर पर काम कर रही ने, जिन्हां विचों दिशादीप भी एक है। पिछले साल असी 4200 जिहड़े फलों वाले मैडिसिनल प्लांट्स ते दूसरे पौधे लगाए सी। साडा इस साल का जो टारगेट है, अकीदा है, वह असी 5000 रखिया होया है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्त जन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे भाव ने उस समय हिंदू जनमानस को आपने मिला दिया है और
सतगुरु गोस्वामी श्री नाभा जी ने भक्त माल मेरू के रूप में श्री भक्त माल जी ने इतना प्रदर्शन किया है उन्हीं गोस्वामी जी का कृपा करना ये पावन महोत्सव आज मानता हूँ 19 जुलाई से शुरू आज शुभ हुआ है पर हमारे लिए तो आज भी उसके शुभ रंग हो रहा है पूज्य हमारे साथ ये आगमन से श्री वृंदावन बिहारी लाल की। होशियारपुर के हलका दसुहा नजदीक पड़ते प्रसिद्ध गगन जी का टिल्ला मंदिर के सामने कंडी कनाल नहर से एक नौजवान का शव बरामद हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सहोड़ा गांव के लोगों ने सागर की लाश को नहर से बाहर निकाला। मृतक नौजवान की पहचान 22 वर्षीय सागर निवासी गांव नारनौल के रूप में हुई है। सागर के शरीर पर कई गहरे जख्मों के निशान हैं। परिवारजन का कहना है कि सागर रोज गगन जी का टीला मंदिर में दर्शन के लिए जाता था। कल जब वो दर्शन के लिए गया तो वापस नहीं आया। सारी रात ढूंढने पर भी सागर नहीं मिला, लेकिन आज जानकारी मिली कि सागर की लाश नहर से मिली है। इस खबर से पूरे गांव में शोक की लहर है। परिवार का कहना है कि सागर की हत्या कर उसको नहर में फेंका गया है, क्योंकि उसके सर पर गहरे जख्मों के निशान हैं, जो साबित कर रहे हैं कि सागर की निर्मम हत्या हुई है। मौके पर पहुंची हाजीपुर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह का कहना है कि पुलिस को फोन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि सहोड़ा कंडी नहर में नौजवान का शव मिला है। मौके पर पहुंचकर मंदिर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और परिवार के दिए बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। चाचे का लड़का लगता नारनौल का जी, अं नारनौल के वासी हैं। ये कल टिले बाबे साढ़े इतने सावण महीना चलता अं उ मत्था टेकन आते कल भी रूटीन की तरह अं कल भी इकट्ठे होए पे उत्थे जाना। मेरी सेहत खराब होने कारण मैं इन्होंने जवाब दिता कि नहीं अज नहीं आप जाना, तो असी घर बैठे थे 7 बजे ये फिर कह लगा नहीं मैं जाना। मैं चलो ठीक है तू जाके आ टिले। ये घर तो टिले बाबे आया मुड़ के घर नहीं परत्या। इन्हू रात 8:30 के करीब अभी फोन किया कि रोटी का टाइम हो गया आ जा रोटी खा लिया। कहता नहीं मैं टिले बाबे हैगा मैं उत्थे ही लंगर खा के तो मैं लेट आना। उस तो बाद दूए दिन असं 9-10 बजे दिन सवेरे ये नहीं जिला घर परत्या रात को अभी सवेरे इन्हों कॉल की तो ये इन्हों फोन तो स्विच बंद आए जरा इन्हों का स्विच बंद आए तो असं ये क्या भी ये स्विच तो बंद करता नहीं जा कोई घटना ना हो गई हो कि कनैक्ट ही करता गड्डी सिखता सगा तो मैं कि गड्डी ना चल गया हो गए। जो असं इदे करते कराते तो फिर अभी थाने का प्रोग्राम बनाया कि असं गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है थाने तो फिर सानू किसी सज्जन ने कहा भी 24 घंटे बाद रिपोर्ट होंगी है। मैं हलवाइया का काम करदा मेरा इतने ही पिंड प्रोग्राम चलन डे इतने सोड़े पिंड मैं इतने काम से लगा ही तो इतने रौला उड़िया कि दादा डेड बॉडी एक नहर च है। मैं देखना आया मैं देखा यार साडा मुंडा तो नहीं कितने भी वह भी कल का लापता है। जिला आके देखा तो उ निकलिया तो इनू किसी ने मारिया होया डाट के सिर पर मारिया फट सिर पर फट मारिया जी 4-5 फट लगे सिर पर हूँ अगर पुलिस महकमा इनकुआरी करूँगा। अज सानू जी टैलीफोन के जरिए तलाह मिली सी कि सौड़े टिले के लागे एक डेड बॉडी आ उसकी हाजीपुर की पुलिस पार्टी आई है इतने आ के डेड बॉडी बहर लोगों के सहयोग न बहर कड़ के देखा वा जो पहले नज़र लगता वे को सिर के लागे सट्टा के निशान है ये संबंधी अभी तफ्तीश कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं मुकदमा दर्ज करके जी सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं जी साडे डिप्टी साहब भी आए हुए हैं जी मौके ते वो भी कैमरे चेक कर रहे हैं जी नाल अपनी टीमां ला के। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। जालंधर के संतोखपुरा स्थित विनय नगर में एक युवक की हत्या, पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को किया काबू। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने सीमा पार कर रहे संदिग्ध व्यक्ति पर की फायरिंग, सर्च ऑपरेशन के दौरान शव किया बरामद। बरनाला पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को किया काबू। इसी के साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।